सिटी ब्यूटीफुल में नहीं थम रहा अवैध शराब का काला कारोबार। पंजाब केसरी की क्राइम टीम ने किया एक और खेल का खुलासा। इस बार कटघरे में खुद खड़ी है चंडीगढ़ पुलिस। अवैध शराब के खुलासे के बाद चंडीगढ़ पुलिस ने किया गड़बड़ झाला। चंडीगढ़ पुलिस ने ही गायब कर दी अवैध शराब की कई पेटियां। द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में जहां जुए, सट्टे, जिस्म फरोशी और अवैध शराब का काला कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं दूसरी ओर चंडीगढ़ पुलिस के कुछ कर्मचारी ही चंडीगढ़ पुलिस को बदनाम करने में लगे हैं। दरअसल पंजाब केसरी की क्राइम टीम ने एक बार फिर अवैध शराब के गोरख धंधे का खुलासा किया है। पंजाब केसरी क्राइम टीम को सूचना मिली थी कि चंडीगढ़ मौली जागरा थाना क्षेत्र के रायपुर खुर्द में अवैध शराब का गोरख धंधा चल रहा है। अवैध शराब के अड्डे पर पहुंची पंजाब केसरी की क्राइम टीम। रायपुर खुर्द में धड़ल्ले से चल रहे अवैध शराब के इस अड्डे पर पंजाब केसरी क्राइम टीम संवाददाता कुलदीप कुमार एक डमी ग्राहक के साथ पहुंचे और जो कुछ सामने देखा हैरान कर देने वाला था। खाली मैदान में लकड़ियों और कटे हुए पेड़ों के बीच शराब माफिया धड़ल्ले से अवैध शराब बेच रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो सब्जी मंडी में सब्जियों की बोली लग रही हो और शराब बेचने वाले एक हाथ से पैसे बटोर रहे थे तो दूसरे हाथ से अवैध शराब दे रहे थे। हमारी टीम के डमी ग्राहक ने भी शराब की कीमत पूछी और पैसे देकर खरीदी भी। आधे दामों में बेची जा रही थी अवैध शराब। हैरानी की बात तो यह कि यहाँ पर जो शराब की बोतल 200 रुपए में बेची जा रही थी वो बाजार में शराब के ठेके पर 400 रुपए में मिलती है, यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा आधे दाम में अवैध शराब बेची जा रही थी। ऐसे में सवाल उठता है कि यहाँ पर शराब को इतना सस्ता क्यों बेचा जा रहा है, जिसका जवाब है कि यहाँ पर बेची जा रही ये शराब नकली होती है, मिलावटी होती है, जो शराब पीने वालों की जिंदगी के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है। हाफ मिल जाएगा 200 वाली बोतल दे। हाफ मिल जाएगा, हाफ कौन से कैप्टन ब्लू के रॉयस टैक के नहीं है, आर एस है, बोतल नहीं यार, मैकडी बोतल वो हाफ है नहीं, कोई क्वार्टर भाई देसी में कैप्टन ब्लू अवैध शराब के गोरख धंधे से अनजान पुलिस। वहीं इसके बाद पंजाब केसरी संवाददाता कुलदीप कुमार ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इस गोरख धंधे की सूचना मौली जागरा थाना पुलिस और बीट स्टाफ को दी। हैरानी की बात तो यह कि जिस जगह अवैध शराब का यह काला कारोबार चल रहा था उससे कुछ कदमों की दूरी पर ही मौली जागरा थाना क्षेत्र के तहत पड़ने वाला रायपुर खुर्द का बीट बॉक्स भी था, लेकिन उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। पंजाब केसरी क्राइम टीम की सूचना देने के बाद चंडीगढ़ पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जिन्हें देखकर शराब बेचने वाले युवक भागने लगे, लेकिन पुलिस ने कुछ को दबोच लिया, जिसके बाद शुरू हुई पुलिसिया कार्रवाई। कटे हुए पेड़ों के पीछे छुपाई गई थी शराब की पेटियां। अब जरा इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, यहाँ पर कटे हुए पेड़ों की ओट में अवैध शराब की पेटियां छुपाई गई हैं, और वो भी एक दो नहीं, 11 से 12 अवैध शराब की पेटियां यहाँ पर छुपाई गई थी। अवैध शराब बेचने वाले युवक ने भी कैमरे पर अपना गुनाह कबूल किया। किसका काम है? किसका काम है? कौन करते हैं?
हम ही करते हैं। तुम ही करते हो? हाँ जी भाई भी हैं वैसे। क्या है? हैं जी। कितने टाइम से कर रहे हो? अभी दो चार दिन हुए। और इतना खुला काम? इतना खुला नहीं, आज ही लेके आया। हैं? आज ही लेके आया जी इतना। क्या नाम क्या है तुम्हारा? मेरा विकास। कहाँ रहते काम? मैं तो रायपुर में। और कौन थे वो तीन लड़के? दो और थे। मुझे आ जाएंगे। क्या क्या नाम है उनके? के नाम है। पुलिस की कार्रवाई पर उठ रहे सवाल। पंजाब केसरी क्राइम टीम ने तो यहां पर चल रहे अवैध शराब के कुरक धंधे का खुलासा किया, लेकिन इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस की कार्रवाई से यहां पर शराब के कुरक धंधे से भी बड़े खेल का खुलासा हो गया, जिसने चंडीगढ़ पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल पंजाब केसरी की क्राइम टीम की सूचना के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो यहां पर अवैध शराब की 11 से 12 पेटियां थी, जिन्हें आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन मौके पर पहुंची चंडीगढ़ पुलिस ने जो केस दर्ज किया उसमें सिर्फ 4 शराब की पेटियों का जिक्र किया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि चंडीगढ़ पुलिस का ये कौन सा चमत्कार है जिससे शराब की 10 से अधिक पेटियां सिमट कर केवल 4 रह गई। चंडीगढ़ पुलिस के होनहार जवानों के इसी कारनामे के चलते अब चंडीगढ़ पुलिस कटघरे में है। लेकिन यहां पर हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि चंडीगढ़ पुलिस के ऐसे होनहार जवानों को पूरे देश में तैनात कर देना चाहिए, ताकि अवैध शराब यूं ही सिमटती रहे और कम से कम लोगों की जान बच जाए। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।